हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, दोस्तों रैंकिंग में कैसे ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरा चैनल फर्स्ट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टेक्निकल बालाजी नाम कंप्यूटर। दोस्तों आपके सामने मैं सर्च कर रहा हूँ लाइव टेक्निकल बालाजी। दोस्तों देख सकते हैं टेक्निकल बालाजी नाव कंप्यूटर आ चुका है। उसके बाद में सिंपली दोस्त सर्च करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप मेरा चैनल फर्स्ट में आ रहा है। दोस्तों ये कैसे आया और क्यों आया, दोस्तों आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि दोस्तों चैनल का भी टैग होता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो का टैग नहीं होता है, चैनल का टैग होता है। अब दोस्तों आप ये सोचेंगे कि यार चैनल का टैग क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि आप टैग कैसे लगा सकते हैं अपने चैनल में। तो चलिए गाइस चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर आपकी चैनल पे ज़्यादा वीडियो होगी तो आपका चैनल ग्रो में सर्च में आने लगेगा। तो दोस्तों चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन पर आने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूट्यूब स्टूडियो बीटा। तो सिंपली दोस्तों आपको यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर क्लिक करना है। यूट्यूब स्टूडियो बीटा पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब स्टूडियो यूट्यूब चैनल का डैशबोर्ड खुल जाएगा। यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड खुलने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने फिर से कई सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली दोस्तों आपको क्लासिक में कर लेना है इसको। सिंपली इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों क्लासिक में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। दोस्तों क्लासिक में होने के बाद में दोस्तों आपके सामने फिर से कई सारे ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन आने के बाद दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा चैनल का। तो सिंपली दोस्तों आपको चैनल पे क्लिक करना है। चैनल पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से फिर से कई सारे ऑप्शन आएंगे। दोस्तों आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अपलोड डिफिकल्ट। तो सिंपली दोस्तों आपको अपलोड डिफिकल्ट पे क्लिक करना है। अपलोड डिफिकल्ट पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे कई सारे कॉलम आ चुके हैं। आपको इनमें से कोई भी कॉलम को छेड़ना नहीं है। दोस्तों अगर आप छेड़ेंगे तो दोस्तों आपसे कोई गलती भी हो सकती है। दोस्तों तो आप इनका ज़्यादा छेड़े नहीं अगर दोस्तों आपको नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों सिंपली आप कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक दिख रहा हो द टैग। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे टैग लगा देना है। दोस्तों मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माय यूट्यूब चैनल टैग चैनल। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों आपको ऐसा करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माय यूट्यूब चैनल टैग चैनल। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख दिया है माय यूट्यूब चैनल टैग चैनल हिंदी। दोस्तों उसके बाद में सिंपली आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेव का। तो सिंपली दोस्तों आपको एक यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो सिंपली दोस्तों आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे सेव हो जाएगा। दोस्तों आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके सामने एक मैसेज आएगा। दोस्तों उसमें बताया जाएगा कि आपके यहाँ अपलोड डिफिकल्ट कर दी गई है। दोस्तों आपको सेटिंग को बदल दी गई है, आपका परिवर्तन सेव दिया गया है। दोस्तों आ चुका है यहाँ पे यू आर चैनल वेयर सेव। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।